आफ्टरनून, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं करने वाली हूँ आज अपने लिविंग रूम को डेकोरेट, क्योंकि कल जो है गर्वित का बर्थडे है और मुझे आज अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करना है बर्थडे पार्टी के लिए। छोटी सी पार्टी हम कर रहे हैं, बस घर घर में कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से हम जो है ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बस घर में जो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वही उसी टाइप का थोड़ा बर्थडे मना रहे हैं हम गर्वित का। तो गर्वित का पहला बर्थडे है तो सोचा बाहर से तो हम किसी को बुला नहीं सकते, क्यों ना घर में ही एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी पार्टी कर ले, थोड़ा सा रूम जो है डेकोरेट कर ले। तो मैं आज उसी की तैयारी करने वाली हूँ क्योंकि कल तो जो है खाना वाना बनाने में और बस उसी में बहुत टाइम लग जाएगा, तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो सोचा क्यों ना आज ही डेकोरेट कर लूँ अपने रूम को। तो मैं अपना लिविंग रूम आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है, देखिए ये देखिए, ये अनुष्का अवनी बैठी है मेरी हेल्प कराने के लिए। वैसे हेल्प नहीं कराएंगी, कहाँ काम बढ़ाएंगी, लेकिन मान नहीं रही है, कह रही नहीं मम्मी हम आपके साथ हेल्प कराएंगे आपकी। तो ये देखिए कुछ लिविंग रूम मेरा इस तरीके का है, ये देख लीजिए, बस मुझे थोड़ा सा इसको बैलून से और थोड़ा सा बर्थडे की जो चीज़ें होती हैं उससे डेकोरेट करना है। ये थोड़ा सा जो है अपने लिविंग रूम को मुझे डेकोरेट करना है बर्थडे की चीज़ों से, बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ गर्वित का बर्थडे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है तो याद रहता है, फर्स्ट बर्थडे हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छे से इसको डेकोरेट करूँ, थोड़ी कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से खरीदी हैं, इन चीज़ों से जो है मैं डेकोरेट करूँगी रूम को। कैप तो कल यूज होंगी ना बेटा, आज तो बस सिर्फ हमें रूम को डेकोरेट कर बेटा। ये देखिए ये बता देंगे कि मैंने क्या लिया और किस किस चीज से डेकोरेट करेंगे, बाकी जो है ना मैं डेकोरेट करना स्टार्ट कर देती हूँ, एक सेकंड बेटा। और अब फुला लेती हूँ मैं बैलून, जो ये पंप है ना बैलून फुलाने वाला, बहुत यूज़फुल है ये सच में, मतलब इतनी आसानी से इसमें से बैलून फूल जाते हैं ना कि बहुत आराम से फूल जाते हैं। तो मैं इसी से बैलून फुलाऊँगी और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 60 रुपीज़ का आता है। मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सब लोगों को, तो आपको कम से कम ये अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बर्थडे तो हर किसी का, मतलब बर्थडे के लिए बैलून तो हर कोई लगाता ही है, तो बैलून फुलाने के लिए बहुत बेस्ट है ये। और ये देखिए मेरी हेल्प कर रही हैं, दोनों की दोनों लग गई हैं हेल्प कराने में। वे अनुष्का तो कह रही है मम्मी मुझे तो ना बस मुंह से ही बैलून फुलाने हैं, हाँ पंप से नहीं, दूसरा बैलून, एक दूसरा पंप भी है लेकिन नहीं इसको नहीं फुलाना, उससे इसको मुंह से ही फुलाना है, मुंह से ही फुलाना इसको अच्छा लगता है बैलून, कह रही है मुझे पंप से नहीं अच्छा लगता, तो ये मुंह से ही फुला रही है। मना कर रही हूँ फिर भी नहीं, मुझे ही फुला इसी से फुलाना है। तो और अवनी तो है ना, ये देखिए अवनी मतलब इसको पंप से फुलाना है, ये देखिए पंप ले आई है, जैसे कि फुला ही देगी, और इसको आता नहीं है फुलाना, देखना फिर भी कोशिश पूरी कर लेगी फुलाने की, इतनी देर से ना लगी हुई है कि हाँ मुझे भी बैलून फुलाना है। और अवनी को देखिए पूरी कोशिश कर रही है, सेम कॉपी कैट है बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना सेम कोशिश कर रही है, पर बेचारी फुला नहीं पा रही है। और ये देखिए मैंने जो है बैलून काफ़ी सारे फुला लिए हैं, अब जो है इनकी मैं गांठे लगा के फ्लावर बना रही हूँ, और अवनी को देखिए पूरी कोशिश करी जा रही है लेकिन बेचारी से हो ही नहीं पा रहा है, कोशिश फुल हो रही है उसकी जा रही है। देखो दोनों बच्चे ना कितनी हेल्प करा रहे हैं, सच में यार बेटियाँ होती बहुत प्यारी है, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब हेल्प अगर माँ के बारे में तो सबसे ज़्यादा सोचता है ना, सच में बेटियाँ ही सोचती हैं कितनी ज़्यादा मतलब हेल्प करा रही हैं। देखो मैंने उनको बोला नहीं है हेल्प कराने की, लेकिन फिर भी उनको ना ज़्यादा एक्साइटमेंट है गर्वित के बर्थडे की कि मम्मा हमें भी हेल्प करानी है, हमें भी करना है। तो दोनों की दोनों लगी हुई हैं, रवनी को देखिए बेचारी फुला नहीं पा रही है, देखिए कितनी कोशिश कर रही है, मुझे सच में हंसी आ रही है, कितनी कोशिश कर रही है ये देखिए। और ये देखिए ये जो है ना ये बैनर है, मतलब जो बर्थडे बैनर होता है, मैं उसको अभी पंप से उसमें भी हवा भर लूँगी, बैनर में तो मैंने हवा भर ली है, अब बारी आ गई है ये जो कार्टून बैलून होते हैं ना, आपकी बार मैं पहली बार लेके आई हूँ, मैं इसमें हवा भरूंगी थोड़ा, बच्चों को बहुत पसंद आया। और दोनों की दोनों बोली मम्मा हमारे लिए भी लेके आना हमारे बर्थडे पे ना, और लेके आना प्रिंसेस वाला डोल वाला, मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगी। तो अभी गर्वित के लिए लेके आई हूँ टाइगर वाला, ये देखिए फूलने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब हम जो है अपने सारे बैलून्स जिसमें मैंने हवा भर ली है, सारे बैनर और जो भी जिसमें भी हवा भरनी थी ना, जो भी सामान बाहर से लेके आई थी हवा वाला, सब में भर लिया, अब लगा लेते हैं हम अपनी वॉल पे। ये देखिए अनुष्का के हाथ में देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना भर के, मतलब बहुत अच्छा लगा, बच्चों को ना यही सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। ये देखिए बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये देखिए बर्थडे बैनर तो लग गया है, पर बी की ना ये देखिए आप ध्यान से देखिए बी की हवा निकल गई है, मतलब वो ना फट गया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही फटा था साइड से बस, फिर हवा तो जरा सा सुराख उसमें से निकल जाती है, फिर मैंने सोचा अब नया क्या लेके आऊँगी, वही लगा दिया।
मैं जो ये चिपका रही हूँ ना बैनर और ये बैलून वगैरह, इसमें जो टेप लगती है ना वो मुझे लग रहा है मेरी टेप सही नहीं थी, वो डबल साइडेड टेप है ना वो लगा दी मैंने, उससे ना ये बार बार गिर रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि टेप शायद मेरी हो सकता है सही नहीं है, तो अगली बार जो बर्थडे वाले ये जिससे ये लेके आई ना उसी शॉप से टेप पता करूँगी कि कौन सी टेप बेस्ट रहेगी, वो लेके आऊँगी। वो पहले तो मैं सेलो टेप को यूज़ करती थी पर अभी ना वो मिल नहीं रही कहीं भी, तो यही टेप मिली पड़ी थी तो मैंने यही यूज़ कर ली, तो इससे ना बैलून गिर रहे हैं बार बार, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेहनत पे मेहनत बढ़े जा रही है, मतलब लगा रही हूँ गिर रहे हैं, लगा रही हूँ गिर रहे हैं, काम ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा बहुत। तो अगली बार से ना टेप थोड़ा ढंग की लेके आऊँगी जिससे अच्छे से चिपक जाए, टेप हमारी अच्छी क्वालिटी की हो ना जिससे अच्छे से चिपक जाए तो फिर आसानी रहती है। अगर आप लोगों को पता है कोई अच्छी टेप का जिससे बैलून अच्छे से चिपक जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टेप से ना अच्छे से बैलून चिपक जाते हैं, गिरे नहीं। और ये देखिए ना, एक ये जो डेकोरेट करने के लिए ये ली थी मैंने, ये रेड कलर की, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, बस डेकोरेटिंग में उन्होंने दिखा दी थी तो मेरे को लगा ले लेनी चाहिए। तो ये मैं एक थी तो मैंने हाफ कट कर दी बीच में से, बड़ी थी थोड़ी सी तो मैंने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लगा दिया इसको, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम ली थी मुझे पता नहीं था कि कितनी लेनी है कितनी ज़्यादा सही रहेगी, तो लगा दी। देखिए थोड़ा सही लग रहा है ना, बस घर में ही करना है मुझे, ज़्यादा कुछ इतना सही बताऊँ तो टाइम भी नहीं है। और एक ना बैलून इतने ज़्यादा फट गई थी, अब और हो रहा है कि बस जितना हो गया ना उतना ही लगा दूँ बस, क्योंकि थक गई बैलून फुलाते 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 फुलाते, फट रहे हैं साथ के साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी जितना लग गया ना उतना ही बहुत है, तो अभी थोड़ा सा और डेकोरेट कर दूँगी मैं, जो साइड में थोड़ी बहुत जगह बची है ना वहाँ पर भी बैलून लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बैलून जो है कुछ तो मैंने लगा दिए हैं। अभी मैं फ़िलहाल सोफ़ा ठीक कर रही हूँ थोड़ा सा ना, इसकी ये जो कुशन वगैरह इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा सा यहाँ की क्लीनिंग हो जाएगी ना फिर बाद में बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। तो एक बार थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग कर लूँ फिर बैलून फुला के ना साइड में थोड़ा सा डाल दूँगी, और थोड़ा इधर जगह स्पेस बचा है जो उधर एक बार क्लीनिंग कर लूँ साथ के साथ नीचे, मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा सामान है ना सारा हटा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो खाली स्पेस बचा था ना वहाँ पर भी मैंने बैलून लगा दिए हैं, और साइड में भी एक मेरे पास बर्थडे बैनर था पहले वाला तो वो भी लगा दिया है, इधर जो पर्दा है ना साइड में जहाँ पे फ्रॉग रखा है इधर भी लगा दिया है। और ये देखिए फाइनल लुक देख लीजिए रूम की, साइड में जो है मैंने बैलून डाल दिए हैं एक्स्ट्रा हर जगह, फाइनल लुक देख लीजिए ऐसी है अभी, ऐसा दिख रहा है कुछ। बस फ्रेंड्स छोटी सी कोशिश थी, ये देखिए जो मैंने लाइट जला दी है, वो जो लाइट वाला फ्लावर है ना उसकी लाइट जला दी है, अच्छा लग रहा है। बस ये छोटी सी कोशिश थी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डेकोरेट किया है बस, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि बैलून फट रहे थे ना, तो इसीलिए जितने बैलून फूले बस उसी में डेकोरेट कर दिया। ये तो बोल रहे थे कि ऊपर भी थोड़े से लगा लेना, बस इनके पास भी टाइम नहीं था, नहीं तो मेरी हेल्प करा देते, आज इनकी ड्यूटी चल रही है अभी इस टाइम, तो मैंने कहा आप कितना करोगे, कोई नहीं मैं ही कर लेती हूँ। तो ये फाइनल लुक देख लीजिए आप मेरे रूम की, तो अब मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा डेकोरेटिंग का आइडिया है कैसा लगा, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, करविद के बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाली वीडियो में आपको शेयर करूँगी आगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।